आपने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई कॉटन स्कूल से पूर्ण की और संगीत का प्रारंभिक ज्ञान आपको अपने पिता स्वर्गीय विपिन पटवारी जी से मिला और महज 4 वर्ष की आयु में ही आप असम के लोक गायन कमरूपिया और भोजपुरिया में पारंगत हो गए। आपने संगीत की उच्च शिक्षा लखनऊ के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से ग्रहण करते हुए शास्त्रीय संगीत से विशारद की उपाधि प्राप्त की। कल्पना पटवारी भारत में पूर्वांचल और उत्तर पूर्वांचल के लोक और पार्श्व संगीत का पर्याय है। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए कल्पना जी ने 10,000 से अधिक गीतों की 30 भारतीय बोलियों और भाषाओं में काम किया और गीत गाए। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में कल्पना जी कुछ विलुप्त और अमूर्त पारंपरिक और आदिवासी लोकगीत को पुनर्जीवित करने, अध्ययन करने, संग्रह करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत हैं। भिखारी ठाकुर की विरासत पर आपके काम ने भोजपुरी लोक संगीत को न केवल देश के सांस्कृतिक रडार पर रखने का श्रेय दिया है बल्कि समकालीन भारत को गिरमिटिया देशों के डायस्पोरा से भी जोड़ा है। आप दर्शकों को संगीतमय कल्पना के दायरे में ले जाने का बेहतर प्रबंधन करती हैं। आपने आज़ादी के आंदोलन को एक संगीतमय श्रद्धांजलि देते हुए चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के अवसर पर मोतिहारी में गांधी जी के आगमन को दोहराया। चंपारण सत्याग्रह पर आपका ऑडियो विजुअल ब्रिटिश शासन के तहत जबरन नील की खेती के खिलाफ किसानों की ऐतिहासिक लड़ाई का एक जीवंत दस्तावेज है। आपकी रचनाएं युवा पीढ़ी को लोक संगीत की हमारी समृद्ध परंपरा को समझने, उसकी सराहना करने और सम्मान करने में मदद करती है। लोक संगीत में आपके वर्षों के शोध और अध्ययन ने भोजपुरी और आदिवासी असमिया संगीत को एक अलग पहचान दिलाई है। 2015 में MTV कोक स्टूडियो के अंतर्राष्ट्रीय मंच में भोजपुरी खाकी बिरहा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला है। सुदूर उत्तर पूर्व राज्य असम की निवासी गैर भोजपुरी भाषी कल्पना इस सुनहरे क्षण को अपने जीवन में मील के पत्थर की तरह मान ली। सूरीनाम अखबार ने वर्ष 2014 में भोजपुरी वंडर किड के रूप में सम्मानित करते हुए अपने पहले पन्ने पर उनकी छवि प्रकाशित की थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से 25 छात्र बोलचाल की भोजपुरी भाषा में भिखारी ठाकुर पर उनके काम का अध्ययन करने के लिए मुंबई आए। कल्पना इसे अपने व्यक्तित्व की एक बहुत ही दुर्लभ घटना के रूप में मानती है और इसीलिए लोक परंपरा के निर्वहन और भोजपुरी भाषा में सतत आगे कार्य करने की इस मुहिम में निर्माण कला मंच आपके साथ है और रंग शांति सम्मान 2022 के लिए आपको सम्मानित किया है।